बाबा केदार के भक्तों से भरी ट्रेवलर गहरी खाई में गिरी। बद्रीनाथ जाते हुए एक बड़ा हादसा। इन दिनों चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। तेजी के साथ चारों धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। रोजाना ही हजारों की तादाद में भक्त दर्शन करने आ रही हैं। उसी कड़ी में कुछ यात्री टेम्पो ट्रेवलर में सवार होकर केदारनाथ धाम से दर्शन करके लौट रहे थे। जैसे ही दशौली ब्लॉक के मंडल के पास टेम्पो ट्रेवलर पहुंचा, तभी अचानक ये टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर सड़क से 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिस वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। जैसे ही हादसे की सूचना पुलिस विभाग को लगी तो पुलिस टीम मौके पर घटना स्थल में जा पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर रेस्क्यू किया गया। मिली जानकारी मुताबिक ट्रेवलर में 11 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों को गहरी चोटें आई हैं, वहीं बाकी लोग हल्के फुल्के जख्मी हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर लाया गया है, जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये सभी यात्री बाबा केदार के दर्शन करके बद्रीनाथ की ओर लौट रहे थे, लेकिन बद्रीनाथ पहुंचने से पहले ही उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और 100 मीटर गहरी खाई में टेम्पो ट्रेवलर जा गिरा। गनीमत रही कि पेड़ के सहारे और झाड़ियों की मदद से ये टेम्पो बीच जंगल में अटक गया, वरना ये टेम्पो नीचे की सड़क तक पहुंच सकता था। फिलहाल अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चला है। चमोली उखीमठ मोटर मार्ग पर मंडल जड़ी बूटी शोध संस्थान के पास ये सड़क हादसा हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस विभाग ने रेस्क्यू करके सभी घायलों को निकाला और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चमोली से कमल नयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।